हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं प्रदीप कुमार सिंह और आज हम लोग क्लास टेंथ की सीबीएसई बोर्ड और आरबीएसई बोर्ड की मैथमेटिक्स की क्लास लेंगे, जिसमें हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी की पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आज का विचार जान लेते हैं बच्चों। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है अपने जीवन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और इस लॉकडाउन पीरियड में बच्चों काफ़ी कुछ बदल चुका है, तो अब हमें उसको स्वीकार कर लेना चाहिए और पूरी हिम्मत के साथ अपनी आगे की पढ़ाई की तैयारी में लग जाना चाहिए ताकि अपनी पढ़ाई बाधित ना हो। इसी को देखते हुए स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट बीकानेर आप लोगों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर YouTube के जरिए चैप्टर वाइज और एक्सरसाइज वाइज आपको अध्ययनरत कराने का प्रयास कर रही है। तो बच्चों, इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम आप लोगों को चैप्टर वाइज और एक्सरसाइज वाइज यानी हर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रत्येक ऐसा लगेगा जैसे कि आप लाइव क्लासेस ले रहे हैं। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं अपनी क्लास के बारे में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे हों उसके लिए मैं साइड में हिंदी में लिख दिया करूंगा और बता दिया करूंगा। इसको बच्चों हम हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी, सेक्वेंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। इस समांतर श्रेणी क्या है इसको समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स हम लोग जान लेते हैं। पहला टर्म है बच्चों अपना टर्म। टर्म का मतलब होता है बच्चों पद। जो भी सीरीज आपको मिलेगी उसके अंदर जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग बच्चों टर्म कहते हैं। जो भी नंबर किसी सीरीज में हम यूज करेंगे तो उस नंबर को ही हम क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं A1 है पहला टर्म, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। A2 सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, डैश डैश डैश। यदि ये AN है तो ये हम बोलेंगे nth टर्म। जैसे अपने कोई बोले सेकेंड टर्म क्या है तो सेकेंड टर्म क्या है फर्स्ट के बाद, सेकेंड A2। थर्ड टर्म क्या है तो A1 A2 और ये क्या हो गया A3। A3 क्या है, थर्ड टर्म है। अब हम देखेंगे कॉमन डिफरेंस बच्चों कैसे निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस को बच्चों हिंदी में बोलते हैं सार व अंतर। अब कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डी से। और ये हम कैसे निकालते हैं, जो बाद वाली टर्म्स होती है उसमें पहले वाली टर्म्स को माइनस कर देते हैं, यानी सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो यहां से डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 माइनस A1 हो जाएगी। डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A2 में से A1 की वैल्यू निकालेंगे। ये सेम चीज इक्वल होगी बच्चों A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। ये सारे कॉमन डिफरेंस आपस में सेम आएंगे, यानी जो अपनी AP होती है वो फिक्स नंबर को ऐड करने से मिलती है। यही बराबर होगा बच्चों अगर ये अपना नेक्स्ट टर्म होता, सपोज कर लीजिए A4, तो A4 माइनस A3। ये सारे के सारे टर्म्स आपस में सेम होते हैं, इनको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल डी से। अब हम देखेंगे फाइनाइट एपी क्या है। जैसे मान लो कोई एपी है, समांतर श्रेणी है A1 A2 A3 A4, इसमें फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स हैं। जब फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स होता है बच्चों तो उसको बोलते हैं फाइनाइट एपी, निश्चित समांतर श्रेणी। इसकी जो टर्म्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते। इनफाइनाइट एपी जैसे A1 A2 A3 डैश 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 डैश, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों इनफाइनाइटली आगे तक दिया हुआ है। इसमें लास्ट टर्म डिफाइन नहीं होता है, बट इसमें लास्ट टर्म डिफाइन है, कितने टर्म है इसमें। जनरल टर्म्स, जनरल टर्म्स को बच्चों हम AN से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम लोग nth टर्म भी बोलते हैं, nth टर्म। इसको हिंदी में बच्चों बोलते हैं nवा पद। अब आपको देख लेते हैं यहां पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक बार और मैं रिवाइज करा देता हूं बच्चों। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो टर्म यानी पद होंगे
वो A1, A2, A3, A4, डैश 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 N, यानी किसी भी नंबर को, इस सीरीज के किसी भी नंबर को हम टर्म बोलेंगे। कॉमन डिफरेंस, जो प्रीसीडिंग नंबर है उसमें सक्सेसिंग नंबर में से जब प्रीसीडिंग नंबर को माइनस कर देंगे तो उससे जो नंबर मिलेगा बच्चों उसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। बाद वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस कर देंगे। साथ ही साथ फाइनाइट एफ भी क्या होगा, निश्चित समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित होगी, नंबर ऑफ टर्म फिक्स होगा। लास्ट टर्म इसमें डिफाइन होगा, ये सीरीज की एंड होगी, लेकिन ये क्या होगा, इसका एंड नहीं होगा, डैश 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 करके दिया रहेगा। इनफाइनाइट एपी में डैश 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 करके दिया रहेगा, इसमें लास्ट टर्म डिफाइन नहीं होगी कि कहां तक ये सीरीज आते रुक रही है, रुकेगी नहीं। जनरल टर्म, जनरल टर्म को हिंदी में बोलते हैं एनवा पद या व्यापक पद, इसको हम ए एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कई जगह पे इसको हम टी एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एनथ टर्म को एनवा पद से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू कैसे होगी ये देख लेते हैं। अब आप देखिए कि सीरीज क्या हुई, जैसे फर्स्ट टर्म ए वन मान लीजिए ए है, तो ए टू कैसे मिलेगी, एक फिक्स नंबर एड होगा, जो भी आपके प्रीसीडिंग एलिमेंट है, प्रीसीडिंग नंबर है, उसमें एक फिक्स टर्म को हम ऐड करते जाएंगे तो उससे जो सीरीज बनती है उसे ही हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, उसे ही हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। बच्चों यहाँ ए वन की वैल्यू किसके इक्वल है, ए, तो ए टू क्या हो जाएगी, एक फिक्स नंबर ऐड कर दिया इसमें ए प्लस डी। इसी प्रकार ए थ्री बच्चों क्या हो जाएगी, ए प्लस टू डी, यानी ए में डी जोड़ा ऐड किया तो क्या हो गया, ए प्लस डी। ए प्लस डी में एक और डी ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा ए प्लस टू डी। अब ए प्लस टू डी में एक और डी ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस थ्री डी। ऐसे ही आगे आते जाएंगे तो ए एन क्या हो जाएगा बच्चों, अपना ए एन हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही अपना एनथ टर्म होता है, लास्ट टर्म होता है बच्चों ए एन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कैसे निकला, जैसे यहां ए वन है ए प्लस जीरो इंटू डी, ए टू है तो ए प्लस वन इंटू डी, ए थ्री है तो ए प्लस टू इंटू डी। देखिए यहां थ्री है तो यहां टू है, यहां टू है तो यहां वन है, यहां वन है तो यहां जीरो है, ऐसे यहां यहां फोर है तो यहां थ्री है, यहां एन है तो यहां पर क्या होगी, एन माइनस वन होगी। तो इस प्रकार से अपना जो जनरल टर्म है ए एन की वैल्यू वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के इक्वल होगी। तो जो एपी की बच्चों अपनी सीरीज बनती है वो क्या बनेगी, ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस टू डी डैश 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 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये अपना एपी का टर्म हो गया, एपी सीरीज हो गई है। तो देख लीजिए ए वन क्या है, ए के इक्वल है, ए टू क्या है, ए प्लस डी के इक्वल है, ए थ्री क्या है, ए प्लस टू डी के इक्वल है। अब मान लीजिए अपने क्वेश्चन में कोई, सपोज कर लीजिए, एग्जांपल देता हूं मैं, टू फोर सिक्स एट डैश 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 डैश, ये मान लीजिए कोई एपी की सीरीज है, समांतर श्रेणी की कोई सीरीज है, अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन की कोई सीरीज है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि फर्स्ट टर्म बताइए, फर्स्ट टर्म क्या होगी, प्रथम पद क्या होगी, तो बच्चों प्रथम पद जो अपना पहला पद होगा ये फर्स्ट टर्म है, यहां पे ए वन की वैल्यू जो होगी वो टू होगी। अब अपने से पूछा जाए कॉमन डिफरेंस बताइए, कॉमन डिफरेंस बताइए, यानी कि सार्वांतर क्या होगी, तो सार्वांतर होगी, कॉमन डिफरेंस होगी बच्चों बाद वाले यानी प्रीसीडिंग एलिमेंट प्रीसीडिंग नंबर में से जो सक्सीडिंग होगी उसमें से प्रीसीडिंग नंबर को हम माइनस कर देंगे, यानी फोर माइनस टू और इसकी वैल्यू आ जाएगी टू और यही हो जाएगी अपने डी की वैल्यू। तो इस तरीके से अपने इस एग्जाम्पल के जरिए देख लिए कि कैसे हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। nth टर्म किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे भी हमने देख लिया। nth टर्म का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
कैसे फर्स्ट टर्म लेंगे, जो सीरीज का जो पहला टर्म होगा वही अपना फर्स्ट टर्म होता है। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस बाद वाली नंबर में से पहले वाली नंबर को क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। अब आगे देखिए, अब हम लोग ये देखेंगे कि इसका सम कैसे निकालें। ये जितने टर्म्स दिए हुए हैं इनका सम ऑफ द एपी कैसे निकालें, सम के बारे में एनालिसिस करेंगे बच्चों। जैसे सपोज कर लीजिए टर्म दे रखा ए, ए वन, ए टू, ए थ्री, डैश 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 ए एन, ये मान लीजिए आपका फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है। तो आपको ऐसा निकालनी है व्हेन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी अपने को ए वन पता हो ए के इक्वल है और ए एल पता है, मान लीजिए लास्ट टर्म एल एल है, तो एस एन कैसे निकालेंगे, एन बाई टू इन ब्रैकेट ए प्लस एल। इस फॉर्मूले से अपनी जो एपी होगी सारे टर्म्स का सम निकल जाएगा। इसके बाद इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके एक और फॉर्मूला प्राप्त करेंगे, तो एस एन इज इक्वल टू हो गया अपनी एन बाई टू इन ब्रैकेट ए प्लस, बच्चों एल की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एल की वैल्यू होती है यानी ए एन की वैल्यू होती है, ए एन ही एल है, तो ए एन की वैल्यू हम लोग क्या पढ़े थे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहां पर देखेंगे एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन बाई टू, ए और ए को एड करेंगे तो क्या हो जाएगी, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस तरीके से अपने सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द एपी यानी समांतर श्रेणी के पदों की संख्या का योगफल सम ऑफ द टर्म ऑफ द एपी अपने को फाइंड आउट हो जाएगी। एस एन की वैल्यू हो गई एन बाई टू इन ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जो एपी होगी उसमें ए वन कॉमा ए टू डैश 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 ए एन होगी, जो फर्स्ट टर्म होगा ए वन वो ए होगा। डी कैसे निकालेंगे बच्चों, बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म्स को माइनस करने से अपनी वैल्यू डी निकलेगी। जो ए एन होगा वो कैसे निकालेंगे बच्चों, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और जो एस एन होगा क्या हो जाएगा, एन बाई टू इन ब्रैकेट ए प्लस एल। एक और फॉर्मूला है इसका बच्चों, एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन बाई टू इन ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूले आप भी कॉपी में लिख के दो तीन बार प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोगों ने यहां देखा ए एन की वैल्यू हो गई ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन एन बाई टू ए प्लस एल, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब nth टर्म एंड फ्रॉम दी एपी यानी अपने को लास्ट से अंत से अनवा पद पूछा जाए, एपी का अंत से अनवा पद nth टर्म एंड फ्रॉम दी एपी अंत से, यानी ये जो सीरीज है इधर से पूछा जाए कि लास्ट से फिफ्थ टर्म बता दो, लास्ट से फोर्थ बता दो, लास्ट से थर्ड बता दो, लास्ट से सेवेंथ बता दो, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसका फॉर्मूला होगा बच्चों एल माइनस यानी लास्ट टर्म माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये एंड से एनथ टर्म का फॉर्मूला है, एनथ टर्म फ्रॉम लास्ट, एनथ टर्म फ्रॉम लास्ट अंत से एनवा पद, तो अपना अंत से अनवा पद हो जाएगा बच्चों nth टर्म फ्रॉम लास्ट। nth टर्म फ्रॉम लास्ट क्या हो जाएगी, l माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस तरीके से अपने 1, 2, 3 और 4 फॉर्मूले हैं, ये आप सॉल्व कर ले, इसके आधार पे अपने एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं अब, और बाकी के जो कंसेप्ट होंगे हम आगे कंसिडर करेंगे। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज 5.1 चालू करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि अपने एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क भी देने वाला हूं,
जिससे आप प्रैक्टिस कर लेंगे। और आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी कॉल करके जुड़ सकते हैं, हम एक फैसिलिटी ग्रुप बना रहे हैं। जैसे यदि आपको क्लासेस समझ में आ रही है तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं जिसको हम अपने ग्रुप में डाल देंगे आपको, जिससे कोई भी अगर आपको समस्या है तो आप पर्टिकुलर भी आप हमारे से डिस्कस कर सकते हैं बच्चों। चलिए अब यहां पर हम लोग देखेंगे बच्चों क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 5.1। का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके 6.9.12.15 डैश डैश डैश। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन है -7, -9, -11, -13, -... थर्ड क्वेश्चन है 3/2, -1/2, -3/2, -... अब चलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन क्या है कि बच्चों आपको बताना है कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है, यानी इन तीनों ही क्वेश्चंस में आपको बताना है कि ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, प्रथम पद क्या है, ये आपको बताना है। साथ ही साथ आपको ये बताना है बच्चों कि बी यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या है, सार्व अंतर क्या है। तो आपको पहले ही यहां पर बताया हुआ बच्चों कि जो पहला पद होता है सीरीज का वही अपना फर्स्ट टर्म होता है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस कर देते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करेंगे। अपना जो यहां पर बच्चों फर्स्ट टर्म जो है वो अपना A1 की वैल्यू जो है वो 6 है, और जो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे बच्चों, कॉमन डिफरेंस 9 में से 6 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 9 - 6 क्या हो जाएगा बच्चों, अपना 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हैं 9 में से 6 को माइनस कीजिए तो भी 3 है, 12 में से 9 को माइनस करेंगे तो भी 3 है, 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो भी 3 है, यानी कॉमन डिफरेंस अपनी सेम रहती है। बाद वाले टर्म में से जब भी पहले वाले टर्म्स को बच्चों माइनस करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा सेम आती है। तो A1 क्या हो गया बच्चों 6 और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया बच्चों 3। अब यहां पर देखिए सेकेंड क्वेश्चन में देखिए A1 क्या हो जाएगा बोलिए, पहला टर्म अपने को क्या दिखाई दे रहा है, -7 दिखाई दे रहा है, तो A1 क्या हो जाएगा बच्चों -7, और D क्या हो जाएगा बच्चों बोलो, D हो जाएगा -9 -7। यहां पे लिखेंगे ऐसे -9 -7, तो D हो जाएगा बच्चों -9 -7 क्या हो जाएगा +7, तो D की वैल्यू हो जाएगी -9 में से 7 जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा -2, यानी A की वैल्यू हो गई यहां पर 7 और D की वैल्यू हो गई -2। साथ ही साथ जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें A की वैल्यू हो गई 6, फर्स्ट टर्म की वैल्यू हो गई 6 और कॉमन डिफरेंस हो गया अपना 3। अब थर्ड क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो बच्चों यहां फर्स्ट टर्म क्या है सीरीज की 3/2, तो A1 क्या हो जाएगी अपनी 3/2 और D क्या हो जाएगा बच्चों 1/2। ये बाद वाले में से पहले वाली को क्या करेंगे बच्चों माइनस करेंगे, तो माइनस का 3/2। अब यहां पर देखिए आप 2 हो गया एलसीएम और ये हो गया 1 - 3 यानी -2/2। अब -2/2 क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों -1, क्या हो जाएगा -1। इसी प्रकार -1/2 में से जब 1/2 को माइनस करेंगे तो -0.5 - 0.5 ये भी -1 आएगा, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आती है। तो आप लोगों ने देख लिया कि यदि कोई सीरीज एपी सीरीज दे रखी है, समांतर सरणी अपने को दे रखी है, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। काफी बेसिक से अपनी क्लासेस चल रही हैं, यानी न्यू स्टूडेंट्स भी इसको रिवाइज कर सकते हैं, और जो बच्चे अभी एग्जाम लॉकडाउन पीरियड की वजह से एग्जाम आगे टल चुका है
वो भी बच्चे एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं, फ्रेश रिवाइज कर सकते हैं, साथ ही साथ वो भी क्वेश्चंस आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, तो A1 की वैल्यू हो गई 3/2 और D की वैल्यू हो गई अपनी -1। अब नेक्स्ट जो 3-4 क्वेश्चंस मैं देने वाला हूं, ये आपको मैं होमवर्क देने वाला हूं बच्चों, इसको आप घर पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोग राइट डाउन कीजिए। अब बच्चों आप लोग होमवर्क नोट कीजिए। जो आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, इसका फोर्थ क्वेश्चन है 1 -2 -5 -8 --। फिफ्थ क्वेश्चन है -1 1/4 3/2 --। सिक्स्थ क्वेश्चन है 3 1, -1, -3। सेवेंथ क्वेश्चन है बच्चों 3 -2 -7 -12। इस प्रकार से अपना फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल सेवेंथ पार्ट थे बच्चों, और आप एक एक करके इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम लोग अब ये राइट डाउन कर लीजिए, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं बच्चों क्वेश्चंस को। फोर्थ क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए आपको दिया गया है फर्स्ट टर्म, यहां से सीरीज स्टार्ट हुई है बच्चों 1, -2, -5, -8, --। फिफ्थ में है बच्चों -1, -1/4, -3/2, --। सिक्स क्वेश्चन है 3, -1, -3, --। और यहाँ सेवेंथ क्वेश्चन अपना 3, -2, -7, -12। अब हम लोग अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि A = दे रखा है -1, फर्स्ट टर्म दे रखा है, एंड D की वैल्यू दे रखा है बच्चों 1/2। तो आपको फाइंड द नेक्स्ट फोर्थ थर्ड टर्म ऑफ द ऑफ दैट सीरीज। अब यहां पर देखिए A गिवन है, यानी इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड में फर्स्ट टर्म अपना गिवन है, दिया हुआ है, दिया हुआ रहेगा, साथ ही साथ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू भी दिया हुआ रहेगा, फर्स्ट टर्म्स A की वैल्यू भी दिया हुआ रहेगा। अब हम लोग को क्या करना है, देखो यहां पे A दे रखा है और D दे रखा है, हम लोग को निकालना क्या है नेक्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी, एपी के अगले चार पद। इफ फर्स्ट टर्म ऑफ ए एंड कॉमन डिफरेंस डी ऑफ एन एपी इज गिवन एज फॉलो, देन फाइंड नेक्स्ट फोर टर्म्स ऑफ दैट सीरीज। तो अब चलिए, अपने को पता है कि नेक्स्ट फोर यानी ए वन की वैल्यू गिवन है, अपने को फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, ए टू फाइंड आउट करना है, क्या फिर फाइंड आउट करना है बच्चों, ए थ्री फाइंड आउट करना है, ए फोर फाइंड आउट करना है और ए फाइव। ऑलवेज ए वन गिवन है और अपने को डी गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है मींस ए वन गिवन है, फर्स्ट टर्म मतलब ए वन की वैल्यू ही क्या होती है, ए होती है, वही फर्स्ट टर्म होती है। हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में पूछा गया है, ए टू, ए थ्री, ए फोर और ए फाइव। तो चलिए फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, ए वन की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू दे रखा -1 और D की वैल्यू दे रखा 1/2। तो A1 तो दे दिया, A1 A के इक्वल होता, इसकी वैल्यू दे दिया -1। आप लोगों को शुरुआत बेसिक कराते समय मैंने बताया था A2 होगा A+D के इक्वल, किसके इक्वल होगा A+D के इक्वल, जैसा कि सीरीज में आप लोगों को बताया था मैं कि पहला टर्म होता है A, दूसरा होता है A+D, ऐसे होता है A+2D और ऐसे ही जाते जाते जब लास्ट में जाते हैं तो An जो होता है अपना वो होता है A+N-1 × D। तो ये अपना टर्म था।
अब यहां पर देखिए, यहां पे ए टू की वैल्यू किसके इक्वल है, ए प्लस डी के इक्वल है, किसके इक्वल है, ए प्लस डी के इक्वल। तो ए की वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस वन, डी की वैल्यू किसके इक्वल है, वन बाई टू, एड करते जाइए। तो माइनस वन प्लस वन बाई टू, यहां से टू से एलसीएम जब लेंगे तो माइनस टू प्लस वन अपॉन टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस का वन, क्योंकि माइनस टू में से वन ऐड करेंगे तो माइनस वन अपॉन में क्या हो जाएगी, अपनी टू हो जाएगी ये वैल्यू। आगे बच्चों ए थ्री कैसे निकालेंगे, ए थ्री होगा ए प्लस टू डी, यानी आप ये भी कह सकते हो जैसे फर्स्ट टर्म में डी जोड़ दिया तो सेकेंड टर्म मिला, आप सेकेंड टर्म में डी जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, आप ये लिख सकते हैं ए प्लस टू डी लिख सकते हो सीधे सीधे, या आप लिख सकते हो ए वन प्लस ए टू, यानी दोनों टर्म्स को जोड़ दीजिए तो फिर नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस अपना पता चल चुका है। तो सेकेंड टर्म में फिर डी एड कर दीजिए आप, सेकेंड टर्म क्या है अपना, माइनस वन बाई टू, और कॉमन डिफरेंस क्या है अपना, वन बाई टू, ये क्या हो जाएगा अपनी वैल्यू जीरो हो जाएगी। थर्ड टर्म हो गया, अब अपने फोर्थ टर्म के बारे में बात करेंगे, तो उसमें थर्ड टर्म में डी जोड़ देंगे, थर्ड टर्म अपनी कितनी आई है बच्चों, जीरो आई है, जीरो में अब डी जोड़िए, वन बाई टू जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा वैल्यू, वन बाई टू की इक्वल हो जाएगी। अब फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे बच्चों, फोर्थ टर्म में डी जोड़ दीजिए, तो फोर्थ टर्म क्या था अपना, वन बाई टू, वन बाई टू में डी जोड़ेंगे तो कितना जोड़ेंगे, वन बाई टू, तो वन बाई टू और वन बाई टू, ये हो गया अपना वन, क्या हो जाएगा, वन बाई टू टू बाई टू, और ये हो जाएगा अपना वन हो जाएगा। तो आपने देखा कि यदि अपने को फर्स्ट टर्म और डी दिया हो तो आगे कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म में जब डी एड कर दिया, फर्स्ट टर्म में जब डी एड कर दिया तो सेकेंड टर्म मिला, सेकेंड टर्म में जब फिर डी एड कर दिया तो थर्ड टर्म मिल गया। जैसे ए प्लस टू डी लिखें, यही वैल्यू हम लिख सकते हैं ए टू प्लस डी, यानी सेकेंड टर्म में डी को जोड़ दें तो अपने को नेक्स्ट टर्म मिल जाती है। तो यहां से आप लोगों को आइडिया लग चुका है कि फर्स्ट टर्म गिवन हो डी गिवन हो तो सीरीज कैसे बनाते हैं। फर्स्ट टर्म में डी जोड़िए सेकेंड टर्म मिलेगा, सेकेंड टर्म में डी एड कर दीजिए थर्ड टर्म मिल जाएगा, थर्ड टर्म में जब डी एड कर देंगे तो फोर्थ टर्म मिल जाएगा, और इस प्रकार से अपने फिफ्थ टर्म तक फाइंड आउट करनी है। तो पहला क्वेश्चन अब आप समझ चुके हैं, अब मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन कराता हूं। तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसका सेकेंड पार्ट है, ए की वैल्यू है वन बाई थ्री एंड डी की वैल्यू है बच्चों फोर बाई थ्री। ए की वैल्यू क्या है वन बाई थ्री एंड डी की वैल्यू क्या है बच्चों फोर बाई थ्री। अब आपको ए वन भी फाइंड आउट करना है, ए टू, ए थ्री, ए फोर और ए फाइव। चलिए सॉल्व कीजिए, एक एक करके हम लोग, आप सॉल्व करते रहे, हम लोग भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं आपके साथ साथ। ए वन की वैल्यू क्या हो गया बच्चों वन बाई थ्री, ए टू की वैल्यू क्या होगी ए वन प्लस डी, ए वन में डी जोड़ेंगे इसमें तो वन बाई थ्री प्लस फोर बाई थ्री, डिनोमिनेटर सेम है हर सेम है तो क्या हो जाएगा ये फोर और वन फाइव बाई थ्री। अब ए थ्री निकालने के लिए क्या होगा बच्चों ए टू प्लस डी, तो इस प्रकार से अपने देख सकते हैं ए टू क्या है अपने बच्चों फाइव बाई थ्री प्लस में डी की वैल्यू क्या है बच्चों फोर बाई थ्री, तो डिनोमिनेटर सेम है तो फाइव और फोर क्या हो जाएगा नाइन बाई थ्री, थ्री वन जा थ्री और थ्री थ्री जा नाइन, ये वैल्यू होगी बच्चों अपनी थ्री। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा बच्चों ए थ्री प्लस डी, चलिए इसको निकालेंगे, ए थ्री प्लस डी, तो ए थ्री की वैल्यू बच्चों क्या आ गई अपनी थ्री प्लस में डी की वैल्यू क्या हो गई बच्चों फोर बाई थ्री। तो
तो हमें एलसीएम लेंगे तो 3 3 ये क्या आ जाएगा 9 + 4/3, क्योंकि यहाँ पे अपॉन होगा 3 3 हो जाएगा यहाँ पे 9 और प्लस में क्या हो जाएगा 4/3, तो ये क्या हो जाएगा 9 और 4 क्या हो जाएगा बच्चों 13/3। A5 कैसे निकालेंगे बच्चों, A5 होगा A4 + D, A4 की वैल्यू बच्चों क्या आ चुकी है 13/3 प्लस D की वैल्यू क्या है 4/3, 13 और 4 क्या हो जाएगा बच्चों 17/3। तो इस प्रकार से जो आपका फर्स्ट टर्म और डी गिवन था, तो हम कैसे नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे हमने यहाँ पर देख लिया। अब आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ चुका है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। अब होमवर्क नोट कीजिए, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, ए की वैल्यू इसमें दे रखा है 0.6, डी की वैल्यू दे रखा है 1.3। डरने की जरूरत नहीं है, सेम प्रोसीजर करना है। फोर्थ क्वेश्चन है, ए की वैल्यू है 4, डी की वैल्यू है बच्चों -3। फिफ्थ में ए की वैल्यू है 11 और डी की वैल्यू है -4। सिक्स क्वेश्चन में ए की वैल्यू है -1.25 और डी की वैल्यू है -0.25। और सेवेंथ क्वेश्चन है बच्चों, ए की वैल्यू है 20 और डी की वैल्यू है -3/4। इसको आप लोग राइट डाउन कर लें ताकि हम लोग नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर सकें। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है कि एपी सीरीज दे रखी है बच्चों, यानी सीरीज दे रखी है कोई, और इसमें एपी सीरीज है या नहीं है, एपी सीरीज एस और नो है या नहीं है, ये पता लगाना है कि जो गिवन सीरीज है, जो अपनी गिवन सीरीज है वो एपी है या फिर नहीं है, यानी जो आपको श्रेणी दी जाएगी वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। कैसे जज करेंगे इसके लिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको एग्जांपल के लिए, साथ ही साथ इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस, डी की भी वैल्यू क्या होगी ये भी बताना है, 2, 5/2, 3, 7/2। तो देखिए प्रश्न एक बार और, जो सीरीज है वो एपी है या नहीं है, यदि ये पता लग जाता है एपी है तो आपको फाइंड आउट करना डी और फिर पता लगाना है नेक्स्ट फोर टर्म्स, अगले चार पद और बताने हैं आपको, अगले चार पद और बताने हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला यहां पर कंसेप्ट देखिए आपको क्या करना है कि एपी है या नहीं है, उसके लिए कॉमन डिफरेंस यहां पे डिफरेंस निकालेंगे, दो ये दोनों सेम होना चाहिए, जैसे यहां पे निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 5/2 - 2, बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं तो अपनी कॉमन डिफरेंस निकलती है, तो घटाएंगे पहले तो 5/2 - 2, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों 4/2, 5 में से 4 जाएगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 1 और ये हो जाएगी अपनी वैल्यू 2। अब यहां पर देखेंगे फिर से नेक्स्ट, अब यहां 3 में से घटाएंगे 3 - 5/2, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा यहां पे 6 - 5/2,
यानी ए बी वन बाई टू। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आर सेम, यानी डी आर सेम, कॉमन डिफरेंसेज आर सेम, डी आर सेम। जब कॉमन डिफरेंस सेम हो गए तो जो सीरीज होती है वो किसमें होती है, एपी में होती है। अब अपने को ये पता चल गया कि एपी में कॉमन डिफरेंस भी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं कि अपनी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ चुकी है, वन बाई टू। तो नेक्स्ट फोर टर्म्स, अगले चार पद कैसे निकालें? तो शुरू का जो अपना पहला दे रखा है ए वन, ए टू दे रखा है, ए थ्री दे रखा है, और क्या दे रखा है, ए फोर। अगला पद क्या होगा अपना, ए फाइव, ए सिक्स, ए सेवन, ए एट। कई लोग क्या करते हैं बच्चों, इसमें बच्चे कि शुरू के यही लिख देते हैं, फोर टर्म्स तो दिया इसी को लिख देते हैं, ऐसा नहीं। नेक्स्ट फोर टर्म्स पूछ रहा है, यानी ये चार पद दे रखा है, चौथे के बाद पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो आप लोग को मैंने लॉजिक बताई थी, ए फाइव निकालने के लिए ए फोर में डी एड कर दीजिए, ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी आप पे। ए फोर क्या दे रखा है, सेवन बाई टू, और बच्चों आपका D क्या आ रखा है, वन बाई टू, वन बाई टू डी आ रखा है। तो ए फाइव क्या हो जाएगा, यहां पे एलसीएम टू सेम है तो सेवन प्लस वन, एट बाई टू, टू वन जा टू, टू 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 फोर जा एट, तो ये हो जाएगा अपना फोर। ए सिक्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बच्चों, फोर में आप क्या कर लेंगे, डी एड कर लेंगे, यानी कि ए फाइव में आप डी एड कर लेंगे। तो ए फाइव की वैल्यू क्या दे रखा है, फोर, फोर में डी एड कीजिए, वन बाई टू, डी की वैल्यू कितना दे रखा है, वन बाई टू। तब क्या हो जाएगा, ए सिक्स की वैल्यू फोर टू जा एट प्लस वन बाई टू, और ये हो जाएगा अपना नाइन बाई टू। क्या हो जाएगा, नाइन बाई टू। तो ए सिक्स, इसी प्रकार आप क्या निकालेंगे बच्चों, ए सेवन कैसे निकालेंगे, ए सिक्स में डी एड कर देंगे। ये एट कैसे निकालेंगे बच्चों, ए सेवन में डी आप एड कर लेंगे। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देख लिया कि इस तरीके से कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट, आपको होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क क्या है बच्चों, देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन है माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू। थर्ड क्वेश्चन है ए ए स्क्वायर, ए क्यू, ए टू दी पावर फोर, डैश डैश डैश। फोर्थ क्वेश्चन है रूट थ्री, अंडर रूट सिक्स, अंडर रूट नाइन, अंडर रूट ट्वेल्व, डैश डैश डैश, अंडर रूट टू, अंडर रूट एट, अंडर रूट एटीन, अंडर रूट थर्टी टू, डैश डैश डैश। सिक्स क्वेश्चन है ए कोमा टू ए कोमा थ्री ए कोमा फोर ए, डैश डैश डैश। सेवेंथ क्वेश्चन है 0.2 0.22 0.222 डैश डैश डैश। और एट क्वेश्चन है 3.3 प्लस अंडर रूट टू, 3 प्लस 2 अंडर रूट टू, 3 प्लस 3 अंडर रूट टू, कॉमा डैश डैश डैश। बच्चों क्वेश्चन मैं इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि लॉकडाउन के समय जैसे एग्जाम होने वाले थे नाइन्थ की, तभी ऑफ हो गया था, और टेंथ क्लासेस में हो सकता है किसी की बुक, किसी के पास बुक हो, किसी के पास बुक ना हो, तो सारे क्वेश्चन मैं इसलिए राइट डाउन कर रहा हूं ताकि बुक का टेंशन आपको ना रहे, सारे लॉजिक मैं समझा रहा हूँ, होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, और कुछ क्वेश्चन आप नोट्स प्रॉपर बना लें, डेट वाइज इंतजार ना करें कि खुलेगा तो आपने फेयर लाएंगे और ऐसा करेंगे, जो भी कॉपियां आपकी हैं उसको ही आप फेयर मान लें, उसको बना लें, और इसको प्रॉपर मैनर में जैसे आपको बताया जा रहा है फॉर्मूला राइट डाउन कर लें, फॉर्मूले को बार बार लिख के बच्चों जरूर याद करें, बार बार प्रैक्टिस करते रहें, और इस लॉकडाउन पीरियड को अपने लिए यादगार बनाएं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।